तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। इस बार गाइस पोकन जर्नलिस्ट से रिलेटेड भर भर के न्यूज़ आई है, और ये सारी जो न्यूज़ आई गई जी आई है एपिसोड 84 और एपिसोड 85 को रिलेटेड। एपिसोड 84 वही है गाइस जिसके अंदर जो है ऐश का लुकारियो मेगा लुकारियो बनने वाला है, जिसका टाइटल और समरी पहले आ चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड भी और न्यूज़ आई है। और सेकेंड वाली जो है गाइस एपिसोड 85, जिस एपिसोड के अंदर गाइस बैटल होने वाली है ऐश के मेगा लुकारियो वर्सेस बिया के जायगंटा मैक्स मचैम की, तो इस एपिसोड से रिलेटेड भी, इस एपिसोड का टाइटल और प्लॉट दोनों आ चुका है, यानी कि समरी। और सच सबसे इस एपिसोड से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ आई है, और ये सारी न्यूज़ आ चुकी है गाइस मैगजीन के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ अगर आपको कुछ भी मिस नहीं करना है तो वीडियो में एंड तक बनी रही। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सब जापानीज लैंग्वेज में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। एंड गाइज एपिसोड 84 और एपिसोड 85 से रिलेटेड अपडेट है, तो सबसे पहले हम जितने भी एपिसोड 84 के अपडेट्स है वो देखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे एपिसोड 85 वाले अपडेट्स। तो गाइज चलिए सबसे पहले देखते हैं एपिसोड 84 वाले अपडेट्स। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एपिसोड 84 का टाइटल बता देता हूँ। तो इस एपिसोड का टाइटल रहने वाला है द लुकारियो नाइट एडवेंचर ऑन मेगा आइलैंड। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदों को पता होगा, लेकिन जिन बंदों को पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एपिसोड 84 का सबसे पहला अपडेट है, जिसके अंदर आप इमेज देख सकते हो। तो गाइज एपिसोड 84 की इमेज है, जिसमें आप देख सकते हो कोरिना है, गो है, उसका ग्रो की, ऐश, पिकाचू एंड ऐश का लुकारियो, जो कि इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो एपिसोड 84 की समरी, जिस एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन की है उसी एपिसोड में बता दिया है मैंने कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता ऐश और उसकी गैंग इस जगह पे क्यों आई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस जगह का नाम है गाइस मेगा आइलैंड, और ऐश आए यहाँ पे लुकारियो नाइट हासिल करने के लिए। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि मेगा इवोल्यूशन के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती है, जो कि एक होता है एक उस पॉकीमॉन का एक स्पेशल मेगा स्टोन, एंड सेकेंड वाला जो होता है वो होता है की स्टोन, जो कि ऐश के पास है क्योंकि कोरिना ने उसे दे दी है की स्टोन। लेकिन लुकारियो नाइट के लिए उसे मेगा आइलैंड पर आना पड़ा, जो कि है मेगा आइलैंड, आप देख सकते हो। और एक मिनट, आप पीछे देख सकते हो एक सेबलाई भी है, जिसके हाथ में कुछ स्टोन की तरह चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन पता नहीं यार ये इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो गाइज इसी मेगा आइलैंड पे जो गाइज ऐश को मिलने वाला है उसके लुकारियो के लिए लुकारियो नाइट। तो अब नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। सो गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेकंड आर्टिकल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला ऊपर वाला देखेंगे, बाद में नीचे वाला। तो गाइज चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट वन। सो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये पार्ट वन है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कोरिना है और उसके नीचे उसका लुकारियो है, जो कि मेगा लुकारियो है। यहाँ पे की स्टोन के बारे में और लुकारियो नाइट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि एक जो स्टोन होता है वो ट्रेनर के पास होता है, और एक होता है उसके पोकेमॉन के पास, जिसके साथ हमें बॉन्ड बनाकर उसे मेगा करना होता है। और नीचे आप देख सकते हो मेगा लुकारियो वर्सेस ऐश के ड्रैगनाइट की जो बैटल हुई थी उसके बारे में बता दिया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि लुकारियो का बॉन्ड भी आया, मतलब ऐश एंड लुकारियो का बॉन्ड भी जो है वो कोरिना के बॉन्ड की तरह हो पाएगा, ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। तो गाइस आप देखते हैं पार्ट टू। सो गाइज ये है पार्ट टू, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐश और उसके लुकारियो की इमेज है, और यहाँ पे उनके दोनों का बॉन्ड जो है वो एक्सप्लेन किया है। और नीचे वाली इमेज जो कि क्लियर नहीं दिख रही, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, जो कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कोरिना है, और ये सब जब मेगा आइलैंड जाने वाले, तो ये वो वाला सीन है। और नीचे जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो, वहाँ पे उसे इस एपिसोड का टाइटल है, जो कि जो लुकारियो नाइट एडवेंचर ऑन मेगा आइलैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेगा लुकारियो की इमेज है, शायद से ये कोरिना का हो सकता है, लेकिन अगर ये ऐश का है तो ऐश का तो नॉर्मल लुकारियो जैसा ही दिख रहा है, मतलब नॉर्मल मेगा लुकारियो। हमें लगा था यार उसका कुछ अलग तरह का लुकारियो हो सकता है, शायद से हो भी सकता है, यहाँ पे जो मेगा लुकारियो दिख रहा है शायद से कोरिना का हो सकता है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। सो गाइस आप ये लास्ट आर्टिकल देख सकते हो एपिसोड 84 का, तो गाइस जिसमें एपिसोड 84 के बारे में कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन इसमें ऐश की जी मू की पावर और ऐश के डायनामिक्स की जो पावर है वो दिखाई गई है। जब देख सकते हो ये वही वाला सीन है जब ऐश ने जी मू यूज़ की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो वाला सीन है जब ऐश ने जो है अपने पिकाचू को जायगंटा मैक्स किया था लियोन के साथ बैटल करने के वक्त। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ऐश जो है जी मू भी कर सकता है, और ऐश जो है अपने पोकेमॉन को जायगंटा मैक्स भी कर सकता है। ये जो है उन्होंने इसलिए दिखाई क्योंकि ऐश को अब एक और न्यू पावर मिलने वाली है, जो कि मेगा पावर, यानी कि वो अपने पोकेमॉन को मेगा करने वाला है। तो उससे पहले जो है वो उसकी पुरानी पावर भी दिखाना चाहते हैं। तो गाइस अब जो अगले अपडेट्स है वो सीधा अपडेट्स आ रहे हैं एपिसोड 85 से रिलेटेड। तो यहीं पे जो है एपिसोड 84 के अपडेट जो है खत्म हो जाते हैं। एंड गाइज आगे हम जितने भी अपडेट्स देखने वाले वो देखने वाले हैं एपिसोड 85 के, एंड एपिसोड 85 वही है जिसके अंदर बैटल होने वाली है गाइज ऐश वर्सेस बिया की।
तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस ये एपिसोड 85 का सीन है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ऐश वर्सेस बीआई का जो जिगंटमैक्स मचैम्प है वही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये वाला सीन हमने जो अक्टूबर का जो स्पेशल प्रीव्यू आया था उसमें भी देखा था और बहुत अच्छे से देखा था, जब बीआई यूज करती है अपना जिगंटमैक्स मचैम्प और उसके अपोजिट में ऐश यूज करते हैं अपना मेगा लुकरियो। लेकिन उस वाले सीन में जो है ऐश का मेगा लुकरियो ज्यादा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस वाले सीन में जो है ऐश का लुक मेगा लुकरियो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, हमें लगा था वो कुछ अलग होगा, लेकिन नॉर्मल मेगा लुकरियो जैसा होता है वैसे है, लेकिन ये भी कम नहीं भाई। फाइनली ऐश का मैं ऐश ने हासिल कर लिया उसका मेगा लुकरियो इस इमेज में हम देख सकते हो, और इस इमेज में जो है गाइस ऊपर जो नीचे जो रेड अक्षर में आप देख सकते हो एपिसोड का टाइटल है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, और पीछे भी और बहुत सारे अपडेट है लेकिन वो मैं आपको जूम करके आगे दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ फिलहाल जो आप नीचे जो नोट्स थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इंग्लिश में, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लुकरियो एंड सातोशी एंड साइतो, साइतो का मतलब जो है गाइस बिया, बिया का जापानीज में नाम साइतो है, या फिर लिखा है कोलिड थर्ड टाइम, यानी कि इन दोनों की थर्ड टाइम बैटल हो रही है यार, इससे पहले मुझे पता नहीं ऐश हारा है जीता, लेकिन इस बार तो ऐश 100% जीतने वाला है। और यहाँ पे लिखा है गाइस इज क्योरी विज कोडाई मैक्स, यानी कि जो मचैम्प है वो एक डायनामैक्स है, जो लुकारी वो मेगा है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जायगंटा मैक्स पोकेमोन की मैच हो रही है गाइस एक मेगा पोकेमोन के साथ, तो पता नहीं यार कौन जीतने वाला है मेगा वर्सेस डायनामैक्स में, हमें पता चलेगा इस एपिसोड के अंदर कि मेगा में ज़्यादा पावर होती है या फिर डायनामैक्स के अंदर। तो गाइस इतने इसमें तो गाइस फिलहाल इतने अपडेट्स है, लेकिन जो पीछे वाले अपडेट है मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, तो गाइस चलिए देख बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वही इमेज है, लेकिन मैंने जूम किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का जो मतलब स्कोरबोर्ड होता है कि किसके कितने पोकन हारे वो दिख रहा है, तो यहाँ पे बिया के दो पोकन हार चुके और एक पोकन बचा है जो कि है जिगंटा मैक्स मचैम, और ऐश के भी दिखा रहे हैं कि दो पोकन हार चुके और एक पोकन बचा है जो कि है मैच मेगा लुकरियो, मतलब जो मेगा लुकरियो वर्सेज डायनामैक्स मचैम की बैटल होने वाली है ये सबसे लास्ट होने वाली है, और ऐश के जो बचे हुए दो पोकन है उनमें से एक जो है वो पिकाचू है, क्योंकि हमने प्रीव्यू के अंदर देखा था कि ऐश पिकाचू भी इस मैच में उसे यूज कर रहा है, तो इसका मतलब कि ऐश अपना एक पोकन कौन यूज करेगा हमें पता नहीं है, और बिया का तो हमें सिर्फ इतना पता है कि एक को यूज करने वाले उसका डायनामैक्स मचैम्प, और बचे हुए दो पोकन वो कौन सा यूज करने वाले वो भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फिर अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आप नेक्स्ट आर्टिकल देख सकते हो, जिसके अंदर जो गाइस पिछले एपिसोड का कुछ हाईलाइट है, यहाँ पे ऊपर आप सिंथिया का वो रिटर्न वाला पोस्ट देख सकते हो जो कि हमने देखा था ऐश वर्सेस वॉकनर की मैच में, उसके बाद यहाँ पे रायन वर्सेस जो लियोन की मैच हुई थी वो है, यहाँ पे गो के बारे में लिखा है कि गो हर एक पोकन पकड़ेगा, एंड यहाँ पे जो बिया के जो पिछले दो मैचेस हुए थे ऐश वर्सेस बिया के उस एपिसोड के कुछ इमेजेस है, यहाँ पे जो गाइस एटरनेटस वाला एपिसोड का था ऐश वर्सेस जो गाइस उसके अपोनेंट्स है ये वो वाला इमेज, एंड नीचे जो गाइस जब मैच हुई थी गाइस लियोन वर्सेस लैंस की तो ये वो उस एपिसोड वाला सीन है। तो गाइस ये वाला जो आर्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं गाइस बताने वाला हूँ आपका पोकन जर्नीज के एपिसोड 85 का टाइटल एंड समरी। तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस ये उसी जो उस मैगजीन का जो आर्टिकल था उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, जहाँ पे इस एपिसोड का टाइटल है, जहाँ पे लिखा है गाइस राइवल शोडाउन सातोशी वर्सेस साइतो, यानी गाइस ये एपिसोड का टाइटल है राइवल शोडाउन ऐश वर्सेस बिया, एंड यहाँ पे लिखा है विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन अक्टूबर 29th फ्राइडे। तो जो ये वाला एपिसोड है गाइस ये 29th अक्टूबर और 2021 को आने वाला है, और इस एपिसोड का टाइटल फिर से पता दो रहने वाला है राइवल शोडाउन सातोशी वर्सेस साइतो। तो गाइस आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैं फिर भी आपको फिर से एपिसोड 84 एपिसोड 85 का पूरा कम्प्लीटली बता देता हूँ। तो एपिसोड 84 जो है उसका टाइटल है द लुकरियो नाइट एडवेंचर ऑन मेगा आइलैंड, और ये एपिसोड एयर होने वाला है अक्टूबर 22nd 2021 को, और एपिसोड 85 के ऊपर आप देख सकते हो टाइटल है द बैटल ऑफ राइवल्स ऐश वर्सेस बिया, और ये एपिसोड एयर होगा गाइस अक्टूबर 29th को। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट पे, यानी कि एपिसोड पोकन जर्नीज के एपिसोड 85 के समरी की। तो ये जो समरी है गाइस अलग अलग टुकड़े में बटी हुई है, तो सबसे पहला टुकड़ा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे लिखा है ऐश एंड जूडिथ, यानी कि ऐश वर्सेस बिया की जो मैच होने वाली है वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की हाइपर क्लास, यानी कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज की एक हाइपर क्लास बैटल होने वाली है। गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये समरी का एक दूसरा टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा है सुपर बैटल क्यूडा मैक्स वर्सेस मेगा इवोल्यूशन, यानी कि डायनामैक्स यानी कि जायगंटा मैक्स वर्सेस मेगा इवोल्यूशन, काइरी की यानी कि जो गाइस मचैम्प का एक जायगंटा मैक्स फॉर्म एंड मेगा लुकरियो बैटल, सातोशी एंड साइतो यानी कि ऐश एंड जो बिया है फाइनली तीसरी बार लड़ने वाले हैं, एंड बिलीव इट और नॉट मेगा लुकरियो विल बी फेसिंग क्योडाई मैक्स, यानी कि जो मेगा लुकरियो है वो फेस करने वाला है जिगंटा मैक्स मचैम्प को, और वो कैसे बैटल करेगा अपने से बड़े अपोनेंट के साथ।
तो डेफिनेटली आप ये मैच मिस करना नहीं भूल सकते। तो गाइस ये जो है पूरा समरी नहीं है गाइस, पूरा समरी तो गाइस इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला, वो नेक्स्ट मंथ में ही आएगा, लेकिन ये जो छोटा सा गाइस समरी जो है ये आ चुका है, जिसके अंदर गाइस उन्होंने बता दिया है कि ये सबसे बेस्ट बैटल होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो है एक छोटा अपोनेंट अपने से बहुत ही बड़े अपोनेंट के साथ लड़ने वाला है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और मिलते हैं इसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।